ओम श्री गणेश आय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें आप देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल, और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द जेमिनी। आई थिंक इट्स लाइक समथिंग इज बॉदरिंग यू, यू आर मिसिंग समथिंग डीप विद इन। और ओके, सो इट्स अबाउट यस ट्राइंग टू बैलेंस अपने इमोशंस को। आई थिंक किसी ने चीट किया है और मे बी रिलेशनशिप या वैसे ही कुछ फेवरेबल नहीं है चीज़ें, और डिसीट और समबडी वॉज लाइंग। आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर फीलिंग चीटेड अपॉन, ऐसी चीज़ हो सकती है, या ट्राइंग टू बैलेंस योर इमोशंस, ये हो सकता है। तो इस हफ्ते हमें ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग इन, स्पेशली इमोशनली ट्राइंग टू यू नो बैलेंस योर इमोशंस, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और इसमें आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो करियर से रिलेटेड कुछ हो जो आप फेस कर रहे हो, और मे बी इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स एज वेल, तो वो भी चीज़ हो सकती है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर लव लाइफ जेमिनी, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एक सॉन्ग अभी राइट नाउ एकदम से दिमाग में आया, और आई वॉज फीलिंग लाइक आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो आई डोंट नो, इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। आई थिंक इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, मिसिंग समबडी वेरी बैडली, या हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, या थक चुके हैं अपने इमोशंस को, यू नो लाइक दिस, कीपिंग लाइक दिस इमोशंस को होल्ड कर करके, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एस येस वेटिंग फॉर योर सोल मेट, वो वाली एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर दे लाइक दिस पर्सन इज वेरी स्लो, आई थिंक दे हैव लव फॉर यू, कोई है यहाँ पे कुछ के लिए। हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव एज वेल, न्यू पर्सन हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, दे हैव फीलिंग्स इमोशंस बट स्लो हैं, ठीक है, मतलब अपने फीलिंग्स तक पहुँचते पहुँचते रह जाते हैं। या हो सकता है कि हॉट एंड कोल्ड, और मे बी देर आर टू पीपल अराउंड यू, और को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है इमोशनली, या ये पर्सन किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, आई थिंक डिस्टेंस, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में दूरी है, फिजिकल मेंटल दूरी है, ठीक है, और ये चीज़ है। और आउटकम क्या है? नॉट पॉजिटिव, इट्स अबाउट स्टक एनर्जी, स्टक यू नो, नॉट मूविंग एनीवेयर। अब इसमें देखिए किसी का कोई कसूर नहीं है, जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट्स कमिंग, ओके जेमिनी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर जेमिनी इन लव दिस वीक, चाहे आप सिंगल हैं या वट एवर, व्हाट्स कमिंग फॉर जेमिनी इन लव, लेट्स फाइंड आउट। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। आई थिंक देर आर कॉमन फ्रेंड्स दैट कैन हेल्प यू आउट इन दिस रिलेशनशिप, अगर आप बात करें तो ये चीज़ हो सकती है। एंड यू नीड टू लव योर सेल्फ, स्टेबल रहिए, रिलैक्स रहिए, स्टेबल रहिए, थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है, बी इन दैट एनर्जी कि ठीक है, इट्स ओके, इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट मत होइए, या ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बिल्कुल टोटली सिंगल हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद समबडी, बट मुझे ऐसा लगता है एक सेपरेशन फेज, इधर या तो आप कंप्लीटली अपने एक्स में से निकल जाइए,
ठीक है, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ाइए, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सेपरेशन दिखाई दे रही है हमें, ठीक है, वो चीज़ है. रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ पाएगा जब आप पहले कंप्लीटली एक सिचुएशन में से निकल जाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी. करियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, व्हाट्स चेंजिंग? आई थिंक समथिंग इज चेंजिंग. एक्सपेंशन तो है ही है. मे बी इट्स अ चेंज ऑफ अ प्लेस, और मे बी इट्स अबाउट लाइक समथिंग इज चेंजिंग. यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इट्स अबाउट दैट. और एक्सपेक्टिंग यू नो, लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ स्टडीज कंप्लीट करके आगे बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जनरली मूविंग अहेड, यू नो, कि कुछ नया ऑफर आ गया है तो कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है, तो वो वाली, या वेटिंग फॉर सम चेंज, तो वो चीज़ हो सकती है. सब तो गुड्स एंड गुड 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 एनर्जी, नॉट गुड गुड एनर्जी. ओके, तो 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका क्या मतलब है? दैट आई थिंक येस, ऑफ कोर्स एक एंड है, कंप्लीशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, कंप्लीशन. हायरोफंट एनर्जी, इसका क्या मतलब? आंसर्ड प्रेयर्स और मे बी अथॉरिटी. जैसे मान लो कि आपने कुछ बोल रखा है, आपने कोई लेटर डाल रखा है, आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, एंड सडनली दैट थिंग इज कमिंग, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए. सो क्या गाइडेंस है प्लीज एंजल्स, हमें बताइए क्या गाइडेंस है. ओके, सो बैलेंस. ओके, ट्रस्ट ट्रस्ट योर गट फीलिंग. क्या क्या कहती है आपकी गट फीलिंग? क्या ये सही है? क्या आप कर रहे हैं जो सही है? तो उसको फॉलो कीजिए, यू नो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है, डिसेप्शन का कार्ड है. सो इसका क्या मतलब है कि पहले भी हमारे पास वो आया था एनर्जी जब हमने चेक की है. इसका मतलब देयर इज समथिंग अराउंड यू गोइंग ऑन बिलो योर नोज, जो आपको पता ही नहीं है, जो आपको पता नहीं है, आप देख के भी अनजान बन रहे हैं, देख के भी अवॉइड कर रहे हैं. वट इज़ दैट? क्या वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है? क्या है वो? यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, ठीक है. और दूसरा ये, येस इट्स गोइंग टू चेंज, तभी आप चेंज कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. समबडी इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.